इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके से अगर हमें इशू लिखा हुआ था यहाँ पर कार्ड फाइंड यहाँ पर 1097 एक्स 617 एक्स 32 वीडियो मोड इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए ट्रिलॉजी में आता है यहाँ पर ये, तो जब आप इसको रन करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारा का सारा सब चीज़। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसकी फ़ाइल को लीजिए और यहाँ पर इसके सेटअप को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर रनिंग में लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि बैड फाइल्स कौन कौन सी हैं आपके पीसी के अंदर, जो ये फाइल्स जितनी भी चल रही हैं अगर उनमें एक भी बैड फाइल्स होती हैं, एक भी 8000 समथिंग इसके अंदर फाइल्स होती हैं, 8-9000 के करीब में। और अगर हमारे पास 4-5 अगर फाइल इशू हो जाता है तो वो बेसिकली यही इशू क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले प्रोसेसिंग होने जा देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या इशू इसमें क्रिएट हो रहा है। ये रहा हमारा, इसको नेक्स्ट करके इसे सेटअप कर दें। देखिए ऐसी जगह पर आपको इसे अभी से आपको ऐसी जगह पर डालना है जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट करिए, इसे नेक्स्ट करिए और यहाँ पर जो है इसकी जो फाइल जहाँ पर आपको भेजनी है वहाँ पर इसको भेजें, लेकिन ऐसी जगह पर भेजें जहाँ पर ये कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर स्पेस यू होना चाहिए जो आपको नीचे लिखा हुआ रहा है, सिलेक्ट रिक्वायर्ड स्पेस, ठीक है, इतना स्पेस होना चाहिए। अब इसकी डायरेक्टरी को क्रिएट हो जाने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अनपैकिंग हो रही है और इसको हो जाने देते हैं, जितने भी टाइम में ये बताए उतने टाइम में हम इसको यहाँ पर वेट कर लेते हैं और इसको होने देते हैं, ठीक है। अब ये समथिंग 10-12 मिनट ले लेगी, इसलिए मैं वीडियो को इतना स्टॉप कर देता हूँ। अब एक स्टेप हमारा यहाँ पर आ गया, देखिए फिनिशिंग लाइन चलेगी, ठीक है। समथिंग 8000 फाइल्स हमारी साइड में होगी और ये कंप्लीट करेगी, ठीक है। बैड फाइल्स यहाँ पर आएगी, मिसिंग फाइल्स यहाँ पर आएगी, ठीक है। बैड फाइल्स हमारा इशू आ रहा है उसके अंदर, फिलहाल तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है क्योंकि फ़ाइल हमारी मिसिंग है, बट ओके फाइल यहाँ पर आ जाएंगी। बैड फाइल्स 6 फाइल्स हमारी वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं इस तरीके से, जिससे कि हमारा इशू क्रिएट हो रहा है। तो हमारी बैड फाइल्स की वजह से ही ये इशू क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर हम पूरा स्टेप कर लेते हैं बार बार। तो यहाँ पर अब बैड फाइल्स का इशू क्या रहता है, देखिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी अपनी फाइल, ठीक है। जैसे कि हम अपने सेटअप पर दोबारा से इसको जाएंगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, किस जगह पर है, अगर हमारी फाइल मिसिंग हो रही है तो, ठीक है। ये ऑप्शन मिलता भी हमें इस तरीके से मिल जाता है, तो हमें टाइप करना पड़ेगा जो हमारी फाइल है सारी की सारी में। तो ट्रिलॉजी हो चाहे किसी भी हो, वॉल्यूम आपके पास सारे रहने चाहिए, ठीक है, तो वरना आपको दिक्कत आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप माय पीसी पर जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। और बाकी आप जहाँ डाउनलोड कर रखे हो अपने फाइल्स वगैरह तो उस वाली साइट पर भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आप जाने के बाद उन फाइल्स को जो है कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करने के बाद उसको लगा लीजिए। तो फिर अगर आपको इस तरीके का इशू नहीं आएगा तो वहाँ पर फाइलों का भी आपको इशू क्रिएट नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको फाइलों का वेरिफिकेशन के रिलेटेड इशू आ सकता है, ठीक है, और आपको चलने में भी दिक्कत कर सकती है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, बस आपको फाइल आपको पता होगी कि कहाँ पर आपको डालनी है, कहाँ पर आपकी फ़ाइल थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, फिर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।